बॉलीवुड की कपूर परिवार ने बीते 2-3 सालों में अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते साल ही बॉलीवुड के शोमैन यानी कि राज कपूर की बेटी रितु नंदा जनवरी के महीने में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। वहीं बीते साल 2020 में ही दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल की सुबह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर के निधन ने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। फिल्म इंडस्ट्री को बेहद बड़ा झटका लगा। ऋषि कपूर जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास और अलग पहचान बनाई थी, वहीं दूसरी ही तरफ इसी साल 9 फरवरी के दिन फेमस एक्टर डायरेक्टर राजीव कपूर भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस बीच देखा जाए तो कपूर खानदान ने अपने परिवार में कई सदस्यों को खोया और कपूर परिवार अंदर से बुरी तरह से टूटता हुआ भी नजर आया। बात की जाए यहाँ पर कपूर परिवार की बहू मशहूर अभिनेत्री और ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर के बारे में, तो नीतू कपूर भी अंदर से बुरी तरह से टूटती हुई नजर आई। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के गुजर जाने के बाद खुद की जिंदगी को आगे बढ़ाया। नीतू कपूर अपने काम पर ध्यान देती हुई नजर आई और अपने पति ऋषि कपूर के सपने को साकार करती हुई भी नजर आई। अपने इंटरव्यू में नीतू कपूर ने अपने दिल के दर्द को बयां किया और साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए भी अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई नजर आती हैं। इसी बीच देखा जाए तो अब ऋषि कपूर को गुजरे हुए एक साल पूरा होने वाला है। बीते साल 30 अप्रैल की सुबह ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो वहीं अब ऋषि कपूर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल जहां एक ओर नीतू कपूर धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, इस गम से उभरने की कोशिश कर रही हैं और नीतू कपूर के बेटे रणवीर कपूर और उनकी प्यारी बेटी रिधिमा कपूर भी अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए नजर आते हैं। इन दिनों रणवीर कपूर कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे हैं और इस बीच देखा जाए तो नीतू कपूर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपने दिल की बातों को शेयर करती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में देखा जाए तो नीतू कपूर के परिवार में एक बेहद बड़ी खबर आई है। नीतू कपूर पहुंची हैं रियलिटी सिंगिंग इंडियन आइडल मैच। हाल ही में नीतू कपूर के फैंस के लिए एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर स्वागत किया जाएगा नीतू कपूर का और यहां पर ऋषि कपूर से जुड़ी पुरानी यादें भी उनके सामने आएंगी और इस तरह से ऋषि कपूर को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं नीतू कपूर के बारे में। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर को गुजरे हुए एक साल होने को जा रहा है। बीते साल 30 अप्रैल की सुबह ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही ऋषि कपूर के निधन की खबर सामने आई तो इस खबर ने हर किसी को अंदर से तोड़कर रख दिया था। हर कोई ऋषि कपूर को याद करते हुए नजर आता है। हिंदी सिनेमा जगत में ऋषि कपूर ने अपनी खास और अलग पहचान बनाई थी। वहीं दूसरी ही ओर ऋषि कपूर सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हुए नजर आते थे। ऋषि कपूर बॉलीवुड के टैलेंटेड और रोमांटिक हीरो भी कहे जाते थे। आज के समय में देखा जाए तो फैंस के दिलों में आज भी ऋषि कपूर जिंदा हैं। इस बीच अगर बात की जाए उनकी पत्नी नीतू कपूर के बारे में, तो अक्सर नीतू कपूर ऋषि कपूर को याद करती हुई नजर आती हैं और सोशल मीडिया पर नीतू ऐसे पोस्ट शेयर करती हैं और अपने दिल के दर्द को बयां करती हैं कि फैंस की आंखें भी नम हो जाती हैं। एक बार फिर से नीतू कपूर भावुक होती हुई नजर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि नीतू कपूर हाल ही में आप सभी को नजर आएंगी सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर। इस शो में नीतू कपूर पहुंचेंगी एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर और इस शो में
लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर को ट्रिब्यूट भी दिया जाएगा। इस स्पेशल एपिसोड के बारे में बात की जाए तो नीतू कपूर इस स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगी और यहाँ पर ऋषि कपूर को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नीतू कपूर और ऋषि कपूर की फिल्मों के गाने गाए जाएंगे और इस शो में देखा जाए तो ऋषि कपूर और नीतू कपूर की फिल्मों के गाने गाकर इस स्पेशल को काफ़ी स्पेशल बनाते हुए देखे जाएंगे सभी कंटेस्टेंट। वहीं जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ऋषि कपूर के नाम किए गए इस खास शो को दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री नीतू कपूर बतौर मेहमान के तौर पर जब नजर आएंगी शो में, तो इस बीच देखा जाए तो कई तमाम यादें उनके सामने आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक सामने आया है कि नीतू कपूर के सामने कई सारी यादें शेयर की जाएंगी। इतना ही नहीं, उनके पति ऋषि कपूर से जुड़ी हुई कई सारी यादें सामने आएंगी और नीतू कपूर भावुक होती हुई नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि नीतू इस तरह से इमोशनल हो जाएंगी कि वहां पर शो में मौजूद सभी की आंखें नम हो जाएंगी और इस तरह से ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी जाएगी सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि नीतू कपूर जब इंडियन आइडल के सेट पर पहुंचेंगी तो कंटेस्टेंट के साथ मस्ती करती हुई भी देखी जाएंगी। नीतू कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। नीतू कपूर ने यहां पर इंडियन आइडल के सेट से एक तस्वीर को शेयर किया है। कंटेस्टेंट के साथ नजर आ रही हैं नीतू कपूर और लिखा है यहां पर कंटेस्टेंट के लिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे #इंडियन आइडल सीजन 12 और साथ में हार्ट इमोटिक भी शेयर किया है। जहां एक ओर नीतू कपूर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए खुशी को बयां किया है तो वहीं नीतू कपूर इस शो में थिरकती हुई भी नजर आने वाली हैं। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया ने भी नीतू कपूर के साथ की एक वीडियो शेयर की है जिसमें काफ़ी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो नीतू कपूर शो में भरपूर मस्ती करती हुई तो नजर आएंगी लेकिन यहां पर अपने पति ऋषि कपूर को याद करके रोती हुई भी नजर आने वाली हैं। इसके साथ साथ जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि नीतू कपूर ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को भी बयां किया है। नीतू कपूर अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई नजर आई हैं और कहा है कि क्यों ऋषि कपूर के निधन के बाद उन्होंने काम पर वापसी का फैसला किया। नीतू ने बताया था अपने इंटरव्यू में कि ऋषि कपूर के निधन के बाद मैं टूट गई थी, अकेलापन महसूस कर रही थी लेकिन फिर मैंने बहुत हिम्मत करके काम पर वापसी का मन बनाया क्योंकि मैं खुद को बिजी रखना चाहती हूँ और काम से बेहतर क्या हो सकता है। और इसके बाद मैंने लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने का सोचा और इस तरह से नीतू कपूर अब धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। ऋषि कपूर को याद करती हुई नजर आती हैं नीतू लेकिन साथ ही साथ ऋषि कपूर के सपने को पूरा करती हुई भी देखी जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी इस रिपोर्ट में आप सभी ने देखा कि किस तरह से नीतू कपूर की आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे जब ऋषि कपूर की यादें उनके सामने ताज़ा की जाएंगी। ऋषि कपूर जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास और अलग पहचान बनाई थी, इस बीच देखा जाए तो नीतू कपूर फिलहाल अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं और वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए तो जल्द ही नीतू कपूर आप सभी को नजर आएंगी फिल्म जुग जुग जियो में। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।